कर दो कर दो नैया नैया मेरी मेरी पार पार या या गाजी गाजी पिया। पिया। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे चैनल मेरा गाजी जिंदाबाद में। दोस्तों आप जंजीरी फाटक का दीदार कर रहे हैं सैयद शालार मसूद भाई सरकार के दरबार का। बने रहे हमारे वीडियो में, हम आपको मजार शरीफ की, दरगाह शरीफ की और नारायण कई तालाब की हर एक बातें, हर एक जगह की वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों आप बहराइच शरीफ में आ चुके हैं तो बड़ी खुशनसीबी है, और नहीं आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, क्योंकि हर जगह का वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात बता दूं, अब हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के आंगन में हर वक्त नूर बरसता है। और दोस्तों आप हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के वो दरबार है जहां पे अल्लाह के प्यारे नबी खिज़्र अलैहिस्सलाम हर 40 मिनट पर तशरीफ लाते हैं। और दोस्तों ये वह आंगन है कि यहाँ लाखों दिलों की धड़कन है, यहाँ पे लोग लाखों लोग आते हैं और शिफा पाते हैं, अपना कर्म पाते हैं, अपने मन की मुरादें पाते हैं, जो मांगते हैं वो पाते हैं। तो दोस्तों आने का तरीका है, बने रहे हमारे वीडियो में, हम ले चलते हैं आपको आपकी मनपसंद मंजिल तक जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप बहराइच शरीफ आए तो जंजीरी फाटक पर पहुँचे, सबसे पहला सलाम वहीं से आप करें, कि पहला सलाम वहीं से कबूल होता है, वहीं से करना चाहिए, जंजीरी फाटक से, जंजीरी फाटक। उसके बाद आप सलाम दुआ करते हुए चले जाएं। अंदर जाने के बाद वजू खाना है बगल में, वजू खाने में वजू बनाइए। अंदर आपको महबूब साहबा का दरबार मिलेगा, दरबार में वहां सलाम दुआ करिए। उसके बाद आपको नाल गेट मिलेगा, नाल गेट में चूमिए, अंदर जाइए। और इसी तरीके से होते हुए बराहना बाबा की मजार शरीफ है, जिसमें लाठी बंधा हुआ होगा, डंडे बना हुआ होगा, वो डंडा कोई आम डंडा नहीं है। आपकी अगर किसी तरह जहाँ पे तकलीफ हो, जहाँ पे परेशानी हो, ठीक ना हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, बीमार हो, परेशान हो, तो उस जगह उस डंडे को धीरे धीरे खटखटाइए, धीरे धीरे खटखटाइए तो परेशानियाँ सारी बलाएं दूर होती हैं उस लाठी से। और भी जिस मकसद से गए हैं उस मकसद को याद करके अपनी वो लाठी अपने हाथ पे, पैर पे, पीठ पे खटखटाइएगा, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप अंधे हैं या कोढ़ी हैं तो जाके वहाँ जहाँ संदल का पेड़ है, अभी दिखेगा आपको, संदल के पेड़ पर जाकर पास वहाँ उलमा इकराम होते हैं, वहाँ पे जो है अपनी दरख्वास्त लिखवाइए और हाजिरी दीजिए। और वहाँ से जाने के बाद आप जो है पीछे गुसल खाना है, वहाँ जाके नहाइए उसमें। वहाँ नहाने से बेशक आपकी तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर हो जाती है। और दोस्तों बड़ी खुशनसीबी है कि यहाँ पे हर साल जो आँख से अंधे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, देखने लगते हैं। जो हाथ पैरों की कोढ़ी होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो बे औलाद हैं उनको औलाद मिल जाता है। ये वाकया नहीं है, ये हर साल होता है वहाँ पे। आपको नहीं विश्वास है तो पहला बारात के दिन आप वहाँ पहुँचिए। हर साल अंधे हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोढ़ी हैं तो भी ठीक हो जाएंगे, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। और सबसे अहम बात कि जंजीरी फाटक से थोड़ी दूर बाहर निकलेंगे तो वहाँ कदम रसूल मिलेगा आपको। दोस्तों हम सबके आका हुजूर ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम रखा है, उस जगह कदम रखा है बहराइच शरीफ के उस सरजमीन पर जहाँ कदम रसूल बना दिया गया है। और दोस्तों आप जब भी आए तो वहाँ जरूर जाएं। वहाँ जाने से आपको वो कदम चूमने को मिलेगा
जिसके दीवाना सारी कायनात है, यहाँ तक रब जिसने दुनिया बनाई वो भी उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो महबूब खुदा हैं। उनके कब्जे में सारी खुदाई है, सारी कायनात उन्हीं के शक्ति में बना है, उन्हीं के लिए बना है। अल्लाह के महबूब हैं, नबियों के सरदार हैं, हसनैन के नाना हैं, हसन हुसैन के नाना हैं, सैदा बीबी फातिमा के अब्बू जान हैं, मौला अली के मौला अली आप उनके दामाद हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये बड़ी खुशनसीबी है दोस्तों कि उस जगह मेरे आका ने कदम रखा जिनके हम उम्मती हैं, जिनके सदके में हमको बसाइश होगी, उनका कदम चूमे, कदम चूम कर बोसा लीजिए, कदम चूमिए, अपनी आखिरत को दुनिया को जगमगाइए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बड़ी बात है कि हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार के वहाँ से थोड़ी दूर पर दरगाह के अंदर एक बावली कुआं है, बावली कुआं जुड़ा हुआ है बाहर, जहाँ अनारकली तालाब है वहाँ पे जाइए, किसी से पूछ लीजिए अनारकली तालाब कहाँ है, सीधे चले जाइए अनारकली तालाब में आप नहाएं, वहाँ नहाने से आपको जो है तमाम बलाएं बीमारियां परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस मकसद से आप नहाएंगे उस मकसद में आप कामयाब होंगे। कोई भी चीज सोच कर नहाए वो आपका पूरा होगा, बीमारी दूर होगी, बड़े बड़े परेशानी दूर होंगी, को शिफा मिलेगा। और एक बड़ी बात है दोस्तों कि वहाँ पे नहाने के लिए आप शैम्पू साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो शिफा खाना है, उसके अल्लाह ताला का करम है। सैयद सालार मसूद भाई सरकार की दुआएं हैं, माँ जोहरा की दुआएं हैं, अनारकली तालाब है, तो उसमें नहाएं, साबुन और शैम्पू का ना इस्तेमाल करें, ऐसे ही नहाएं। और याद रखें कि उसमें सब बच्चे बेटियाँ माँ बहनें भाई बूढ़े बुजुर्ग सब नहाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कुछ तहमत वगैरह पहन करना है, टॉल वगैरह पहन करना है, ताकि आपकी बेहुरमती ना हो सके, अंडरवियर पहन कर नहाना है, उससे जो है बेहुरमती होती है, अदब एहतराम का ख्याल रखें। और दोस्तों एक बड़ी बात है ये है कि आप किसी भी बहराई दरगाह पे आए तो ये ना सोचे कि हम मेले में आए हैं, ये सोचे कि हम किसी स्थान पे आए हैं, आली मकाम बुजुर्ग के दरबार में आए हैं, बहुत बड़ी जगह आए हैं, बड़ी हस्ती आए हैं, वो हमको देख रहे हैं हर कदम पे, तो अपने सामान का ईमान का ख्याल रखें। और दोस्तों वहाँ से नहाएं, नहाने से आपको शिफा मिलेगा, और बुड्डी मारे दुआ मांगे, जिस मकसद से आप नहाएं वो मकसद कामयाब होगा, बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे। वहाँ से आने के बाद आप जो है दरगाह शरीफ में सलाम दुआ कीजिए, शिवनी वगैरह लीजिएगा, लैया लीजिएगा, मिठाई लीजिएगा, उसमें डाल लीजिएगा और ले जाइएगा, फूल माला ले जाइएगा अपने घर पे, और जो बाबा के सिन्नी चढ़ाएं वो भी ले जाइएगा, उसमें डाल दीजिएगा, पूरे मोहल्ले में बांटिएगा, घर आंगन में बांटिएगा, रिश्तेदारों में बांटिएगा, इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य का काम मिलेगा, बहुत बड़ा सवाब का काम मिलेगा, इससे आपके घर में बरकत होगी, बलाएं दूर होगी, ये बहुत बड़ी बात है, ये सवाब का काम है, क्योंकि ये सिन्नी बांटने से जितने लोग खाएंगे उतना ही सवाब आपको मिलेगा, तो यह बांटना जरूरी है। आप बताएंगे कि हम हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार के दरबार से आए हैं, मेले से आए, उन्हीं का सिन्नी है, ये बड़ी अच्छी बात है, तो ये जरूर कीजिएगा। और एक बड़ी खुशनसीबी की बात ये है कि हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार मौला अली के आल हैं, बराहवे पुश्त हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन के खानदानी भाई हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी ही खुश नसीबी है। ये वो अपूर नूर दरबार है जहाँ पे हर वली इकराम आते हैं, बाबा का मेला इस वक्त चल रहा है, 2 जून से चल रहा है, अभी चलता रहेगा, 1 महीने का मेला होता है, तो लगभग 15 दिन हो गया, 15 दिनों चलेगा, तो ये वो दरबार है जहाँ पे हर वली इकराम आते हैं, आते रहते हैं, और सबको सदका मिलता है इनके दरबार से। वलियों में आला है सैयद सालार मसूद गाई सरकार की बहुत बड़ी पावरफुल दरबार है, सबसे ऊंची सैयद हैं आप, मामे हुसैन हसन अली मकाम के खानदान हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपने इस्लाम फैलाने के लिए अपनी जान और माल और अपने लोगों को कुर्बान कर दिया, इमाम हुसैन हसन अली मकाम के
चाहते हैं आप दीवाने हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर आपने सारी चीजें शहादत पाई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप भी दीवाने गाजी हैं तो आप आए और मोहब्बत से अपने आप को शिफा पाए और याद रखें। वहाँ पे जेब कतरे वगैरह घूमते रहते हैं, उनसे सावधान न है। वहाँ हलवा पराठा का दुकान है, वहाँ पे हलवा पराठा खाए आओ, लौटिएगा तो जंजीर फाटक जरूर छूमिएगा। दरबार में जितने भी वहाँ पे जाइएगा तो चावल वगैरह ले जाइएगा, फुटकर पैसा ले जाइएगा, सबको बांटिएगा, उससे सदका मिलता है, बलाएँ दूर होती है, तो वहाँ जरूर बांटिएगा। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, इसलिए कि और भाई लोगों तक पहुंच सके जो नहीं आ सके हैं ये वीडियो देखने, तो उनको भी बड़ी खुशी मिलेगी। ये वीडियो देखने से भी सवाब मिलेगा, जो देखेगा उसको वो भी सवाब पाएगा, और आप जिसके पास शेयर करेंगे तो आप सवाब पाएंगे। 100 लोगों को शेयर करेंगे तो 100 सवाब पाएंगे। जितने लोग देखेंगे आपसे शेयर करने से आपको सवाब ही मिलेगा, ये सवाब का काम है। माशाल्लाह सुभाना, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। गाजिए आस्ताना सलामत रहे, गाजिए आस्ताना सलामत रहे, मेरे गाजी का घराना सलामत रहे, मौला अली का घराना सलामत रहे, नबी का दीवाना सलामत रहे, अली का ये घराना सलामत रहे, सैयदी ये घराना सलामत रहे, गाजिए आस्ताना सलामत रहे। या सैयद शादार मसूद गाई सरकार। जी हाँ दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं हजरत सैयद सरार मसूद गाजी सरकार का दरबार, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है जंजीरी फाटक। हजरत महबूब शाह, सैयद महबूब शाह बाबा का दरबार और निशान दरबार दिखाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, इस वक्त हजरत सैयद सरार मसूद गाजी सरकार का बारात मेला चल रहा है। जेठ मेला 2 जून को शुरू हुआ था और पूरी जून चलेगी। दोस्तों आप हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के दरबार में आए, मेले में आए, तो ये ना सोचे कि हम किसी मेले में आए हैं, ये सोचें किसी दरबार में आए हैं, एक अल्लाह वली के दरबार में आए हैं, एक पाक स्थान पे आए हैं, बहुत पहुंची हुई जगह पे आए हैं, नेक दरबार में आए हैं, अपने दिल की हसरत पूरी करने आए हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो में, हम हजरत सैयद शालार मसूद गाजी सरकार के हर एक चीज़ का नज़ारा दिखाएंगे आपको। आप दोस्तों अगर बीमार हैं, परेशान हैं, तो यहाँ पे हर साल आँखों से अंधे और हाथों पैरों से कोढ़ी और बे औलाद यहाँ पे औलाद पाते हैं। आंखों से जो अंधे होते हैं वो बिनाई पाते हैं, देखने लगते हैं, जो कोढ़ी होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यही ये करामात आम है हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार का। और भी तमाम बीमारियां परेशानियां दूर होती है, जो जो कुछ जिस नियत से आता है उसका ऐसे ही झोली भर जाता है। ये वो दरबार है और माशाल्लाह सुभानअल्लाह, एक बड़ी ही खुशनसीबी की बात यह है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर अनारकली तालाब है। आप बहराइच शहर में आए तो अनारकली तालाब में जाकर नहा लें। वहाँ नहाने से जितने भी परेशानी बीमारी शरीर के अंदर बाहर होगी वो सही हो जाएगी। वहाँ पे नहाने के लिए आपको कोई साबुन शैम्पू ना इस्तेमाल करें, इसलिए वो शिफा खाना है। उसमें सरकार गाजी सरकार की दुआएँ हैं और प्यारे नबी की दुआएँ हैं, अल्लाह ताला का करम है, माँ जोहरा का करम है, वो कोई आम दरबार नहीं है। और एक बड़ी खुशनसीबी की बात यह है दोस्तों, वहाँ से थोड़ी दूर पर कदम रसूल बना हुआ है। आप जब भी आएँ तो जंजीरी फाटक से थोड़ी दूर पर आपको कदम रसूल मिलेगा, जहाँ हम सब के आका हुजूर ताजर मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का कदम रसूल बना हुआ है। कदम रखा है आका ने, दोनों जहान के मालिक ने,
महबूब खुदा ने, नबियों के सरदार ने, जिनके हम उम्मत हैं, जिनके सदके में सबकी बख्शाइश होगी, वो आका वहाँ पे कदम रखें, वहाँ जाइए, बोसा लीजिए और चूमिए अपनी किस्मत को, अपने दिल की दुनिया को, आखिरत को चमकाइए। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बड़ी खुशनसीबी कि हिंदुस्तान की इस तरह ज़मीन बहराइच शरीफ में आपने अपने आका ने तस्वीर रखा। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहराइच शरीफ में मेले में आप घूमें तो अपने जान सामान का हिफाजत करें। और दोस्तों इसी तरह वीडियो में बने रहें, आप ये वीडियो में बने रहिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। आप आ चुके हैं बहराइच तभी कमेंट कीजिएगा, आप किस बिरादरी से हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा इस नेट से, ताकि और भाई लोगों तक पहुँच सके जो नहीं जानते, जो नहीं देखे हैं वीडियो, देख सकें और सुन सकें, ये सवाब का काम है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। और दोस्तों हम इंशाल्लाह तबारक ताला आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, बने रहिएगा हमारे वीडियो में। हम आपको इसी वीडियो में हजरत बरहाना साहब बाबा और माँ जोहरा की स्थान, हजरत बरहाना साहब बाबा की लाठी वाला दरबार, संदल का पेड़ और जो है बाबा का अंदर का बाहर दरबार का और दरगाह के अंदर का और तमाम मजासी जितनी बनी हुई हैं और हर एक चीज़ दिखाएंगे, यहाँ तक कदम रसूल के अंदर भी जाकर वहाँ का भी दिखाएंगे, अनारकली तालाब बना वहाँ का भी दिखाएंगे, और जहाँ आका हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार का जो है गद्दी था वहाँ का भी दिखाएंगे। बने रहे हमारे वीडियो में, देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी दोस्तों, इसी तरह दिखाते रहेंगे। तो मन का बात एक बार फिर सुन लीजिए, गाजिए आस्ताना सलामत रहे मेरे गाजी का दीवाना, सलामत रहे मौलाली का घराना, सलामत रहे सैयदी आस्ताना, सलामत रहे आंख दीवाना, यहाँ पे होता है आवाज इसीलिए कहता है दीवाना, मेरा गाजी जिंदाबाद, मेरा गाजी जिंदाबाद। दोस्तों हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार के आंगन में हर वक्त नूर बरसता रहता है, हर वक्त नूर बरसता रहता है, हर जगह जो आता है यहाँ पे वो नूर में नहाता है। और दोस्तों सैयद सालार मसूद गाई सरकार के दरबार में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे नबी, हर 40 मिनट पर तशरीफ लाते हैं। आप जाइएगा तो 40 मिनट से ज़्यादा बैठिएगा, ताकि आपकी हाजिरी हो सके, दीदार हो सके, आपको देख सकें, माशाल्लाह आपकी दुआ कर सकें अल्लाह ताला से। गाजिए आस्ताना सलामत रहे, गाजिए आस्ताना सलामत रहे मेरे गाजी का घराना, सलामत रहे मौलाली का घराना, सलामत रहे नबी का दीवाना, सलामत रहे अली का ये घराना, सलामत रहे सैयदी ये घराना, सलामत रहे गाजिए आस्ताना सलामत रहे। या सैयद शालार मसूद गाई सरकार। जी हाँ दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं हजरत सैयद शालार मसूद गाजी सरकार का दरबार, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है जंजीरी फाटक, हजरत महबूब शाह, सैयद महबूब शाह बाबा का दरबार और निशान दरबार दिखाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, इस वक्त हजरत सैयद शालार मसूद गाई सरकार का बारात मेला चल रहा है, जेठ मेला 2 जून को शुरू हुआ था और पूरी जून चलेगी। दोस्तों आप हजरत सैयद शालार मसूद गाई सरकार के दरबार में आए, मेले में आए, तो ये ना सोचे कि हम किसी मेले में आए हैं, ये सोचें किसी दरबार में आए हैं, एक अल्लाह वली के दरबार में आए हैं।